लखीमपुर खीरी के गोला गोकर्णनाथ में आज भारत का चौथा स्तंभ सब्जी बेचने पर मजबूर हुआ। बहुत ही चिंता का विषय है और शर्मनाक बात हुई, जबकि मीडिया वाले अपने जान जोखिम डालकर देश की सेवा में तत्पर रहते हैं, लेकिन कुर्सियों पर बैठे हुए लोग मीडिया कर्मियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सिद्धत की ज़िंदगी जीने पर मजबूर हुआ है। शासन को इस प्रकरण को गंभीरता से लेना चाहिए। शासन में जिम्मेदार कुर्सियों पर बैठे लोग पत्रकारों की इस दशा को दिल की गहराइयों से समझें। तौहीद खान की रिपोर्ट देखें। ले लो आलू, ले लो भुजिया, ले लो सब्जी, बेच रहे हैं भैया मटर प्याज, ले लो भैया धनिया, ले लो आलू, ले लो भुजिया, ले लो प्याज, ले लो सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद, सरकार एकता जिंदाबाद। सब्जी की दुकान पर क्यों बैठे हुए हैं? दरअसल बात यह है कि हम सभी लोग पत्रकार साथी हैं। लॉकडाउन लगा तो उसके साथ में सरकार का शासन प्रशासन जनता का बराबर पूरा सहयोग कर रहे हैं। आए दिन अपने घरों से भूखे प्यासे जान जोखिम को डालकर सारी सरकार से जो है मदद में लगे रहे, सहयोग करते रहे। धीरे धीरे सरकार द्वारा कोई ऐसा निर्णय हम लोगों के प्रति नहीं लिया गया जो हमको कोई पेंशन भत्ता या दिया जाए। ऐसी सुविधाएं न मिलने के कारण हम लोगों का परिवार भुखमरी के कगार पे आ गया। अब ये है कि हम लोग सब्जी भी बेच रहे हैं और अतिरिक्त समय में अपने पत्रकारिता भी करेंगे, सरकार का सहयोग भी करेंगे, समाज का भी सहयोग करेंगे, जनता का भी सहयोग करेंगे। ये कब तक आप लोग करेंगे? ये जब तक लॉकडाउन लगा है तब तक तो करेंगे, उसके बाद फिर हम जब सारे व्यापार अपने हमारे खुल जाएंगे, जो भी जिन सब चीज़ों से हम जुड़े हैं, तो अपने हम वापस चले जाएंगे।